आपके दर्शन हो गए माता रानी जी? माता रानी के दर्शन हो गए, क्या बात। हमने 31 तारीख को सोचा था हम कितने हम मुलाकात करेंगे आयुष। अरे क्या, मैंने कमेंट भीड़ देखी थी आपकी, कमेंट किया था कि हम भी 1 तारीख को आ रहे हैं और मैंने सोचा था शायद मिल भी जाए और मिल ही गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मिलने के लिए भी। और चलिए माता रानी आपको इसी तरह से आगे ले जाए, एक बार जयकारा लगा लेते हैं। जयकारा माँ वैष्णो दा, बोलो सांचे दरबार की जय। नले माये हसी मत्थे जोड़ ले, जय माता दी। एक और नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में आप सभी माता के प्यारे से भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल एज वेल एज Facebook पेज ट्रेन राइडर। आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से हम आप सबको माता रानी की यात्रा से नए दर्शन कराने के साथ साथ माँ भगवती की यात्रा से संबंधित नई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप सभी माता के भक्तों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबके लिए दो बड़े अपडेट हैं। पहला अपडेट यह है कि हमने इस साल की पहली डिजिटल यात्रा ट्रेन राइडर YouTube चैनल पर अपलोड कर दी है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए देखिए और प्यार दीजिए। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि आने वाले 12 फरवरी को हमारे YouTube ट्रेन राइडर चैनल पर हमारा एक नया भजन प्रस्तुत होने जा रहा है, तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी उसे पूरा देखेंगे और अपना प्यार देंगे। इस वीडियो की शुरुआत हो रही है माता रानी के पवित्र पावन यात्रा गेट से, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि भक्त किस प्रकार से लाइनों में खड़े हैं। इसी पवित्र स्थान से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। आप सब घर बैठे हाथ जोड़कर दर्शन करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते रहिए। वीडियो क्लिप में सामने एक काउंटर देख रहे हैं, जी हाँ ये वही काउंटर है। जब आप अपने घर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं RFID कार्ड के लिए, तो आपको इसी काउंटर पर पहुँचना है, अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाना है और आपको यहाँ से RFID कार्ड मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, RFID कार्ड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए जब आप यात्रा अपना पूरा कर लेते हैं, संपन्न कर लेते हैं, तो सामने आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा। इसी बॉक्स में आपको अपना RFID कार्ड डालना है यानी रिटर्न कर देना है, जिससे कि आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की भी हेल्प कर पाएँ। वहीं याद रखिए, RFID कार्ड लेने का दो बड़ा माध्यम है। पहला ये है कि आप घर से रजिस्ट्रेशन करा के आइए, यहाँ पर स्लिप दिखाइए और RFID कार्ड प्राप्त कर लीजिए। दूसरा माध्यम ये है कि आप यहाँ पहुँच जाइए, जितने भी काउंटर्स हैं वहाँ जाके अपना नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर बताइए और आपको आराम से RFID कार्ड मिल जाएगा। किसी प्रकार से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सब घर बैठे माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर से दर्शन कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत मनमोहक नज़ारा है यहाँ से। अगर बात करें इस समय वेटिंग समय की, तो देखिए भक्तों की संख्या हो चुकी है डिक्रीज़, और आपको पता है कि जब भक्तों की संख्या होती है डिक्रीज़ तो वेटिंग समय भी हो जाता है कम। इस समय भक्तों की संख्या लगभग 15,000 तक चल रही है, 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में। तो वैसे ही वेटिंग संख्या की बात करें तो मात्र 5 से 6 घंटे का वेटिंग समय इस समय चल रहा है, तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दरबार जा रहे हैं तो जाते वक्त यहाँ पर अपना काउंटर से पर्ची ले लीजिए और उसके बाद जब आप रिटर्न आते हैं अर्धकुंवारी मंदिर के पास, तो यहाँ जाकर दर्शन कर लीजिए। अगर आपका नंबर चला भी जाता है तो आपको दर्शन करने की पूरी अनुमति मिलती है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। मौसम की बात करें तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से मौसम इस समय बना हुआ है, क्योंकि मौसम बदलता रहता है। फिलहाल गूगल वेदर रिपोर्ट की बात करें तो आज कल में तो बारिश के आसार हैं, लेकिन आगे की बात की जाए तो पूरी तरीके से आपको धूप देखने को मिल सकता है, इसीलिए कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे पहले माता रानी के भवन के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी लिख दीजिएगा। देखिए मेरा आप सबसे यही सुझाव रहेगा कि आप अपने साथ गर्म कपड़ा रख लीजिए, जितने भी ज़रूरत के सामान हैं सभी रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मौसम चंद मिनटों में बदल जाता है। कुछ समय तो मौसम बहुत अच्छा रहता है, कुछ समय बाद मौसम अचानक से परिवर्तन हो जाता है। तो अगर आपके पास सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए सभी इक्विपमेंट होंगे तो आप अपने आप को पूरी तरीके से बचा पाएंगे। जैसे अगर आपको ठंड लगेगा तो आपके पास गर्म कपड़ा होगा तो किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। बारिश होगी, आपके पास रेनकोट होगा, अम्ब्रेला होगा, तो किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप ये सभी ज़रूरत की चीज़ों को फॉलो करके चलते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। वहीं अगर आपके मन में ये सवाल उठता है कि हम माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो हम कौन कौन से सामानों को कैरी करें, तो इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल समराइज वीडियो बनाया है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि उस पर ज़्यादा प्यार नहीं मिले हैं, तो आप जाइए उसे देखिए। उसमें हमने अपना पूरा पैकिंग मैनेजमेंट दिखाया है कि हम कैसे पैकिंग करते हैं, हम कौन कौन से सामानों को कैरी करते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा माता रानी की यात्रा करने में, माता रानी के दरबार जाने के लिए सामानों को रखने में।
वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुविधाओं की। तो फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों को हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, हेलीकॉप्टर हो, बैटरी कार हो, रोपवे हो, हर प्रकार की सुविधा भक्तों को निरंतर तौर पर मिलती है। किसी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना इस समय नहीं करना पड़ रहा है। अब वहीं रूम और डॉर्मेट्री की बात की जाए तो फिलहाल देखिए भक्तों की संख्या अगर डिक्रीज होती है तो आपको ऑफलाइन बुकिंग मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको कटरा में बने निहारिका कॉम्प्लेक्स जाना है, वहाँ से भवन के लिए बुकिंग्स पता करनी है। अगर अवेलेबल होगा तो आपको वहीं से बेड अलॉट कर दिया जाएगा। किसी प्रकार से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इन केस आपको ऑफलाइन भी नहीं मिलता है तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है फ्री अकोमोडेशन निःशुल्क धर्मशाला के ऊपर, तो आप उसे देख लीजिएगा। उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। अगर दर्शन की बात करें तो माता रानी के दर्शन बहुत ही प्यारे तरीके से इस समय हो रहे हैं। किसी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना भक्तों को नहीं करना पड़ रहा है। अब आते हैं और सबसे बड़ी मुद्दा के ऊपर बात करते हैं, जो भक्त अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि प्राचीन गुफा हम जा रहे हैं तो खुला मिलेगा कि नहीं, हमें दर्शन कैसे होंगे प्राचीन गुफा के, प्राचीन गुफा कब तक खुला रहता है, किस डेट तक वो ओपन रहेगा। देखिए ऐसे तो श्राइन बोर्ड द्वारा कोई ऑफिशियल डेट नहीं है कि किस डेट तक ये ओपन होगा, लेकिन अप्रॉक्स मार्च के फर्स्ट वीक तक ये ओपन रहता है। और अगर आपको प्राचीन गुफा से दर्शन करने हैं तो आप कोशिश करिए कि रात के समय जो है माता रानी के दर्शन के लिए जाइए। अगर आप वहाँ पहुँच रहे हैं रात के समय और देख रहे हैं कि गेट नंबर 5 के पास कोई स्टिक या डंडा लगाया गया है तो समझ लीजिए प्राचीन गुफा खुला हुआ है और आप लाइन में लग जाइए। माता रानी की अगर मेहर होगी, कृपा होगी, तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन ज़रूर होगा। मैं यही कहूँगा कि आप अपने मन से घर से ये सोच के जाइए ही मत कि आपको उसी गुफा से दर्शन करने हैं, बस आप माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे ना तो माता रानी की इतनी चमत्कार होगी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो जाएगा। अगर आप प्राचीन गुफा के दर्शन करने का एक सिस्टम बनाना चाहते हैं तो संडे सैटरडे को अवॉइड करके ही बनाइएगा, क्योंकि संडे सैटरडे में गुफा के कपाट जल्दी नहीं खुलते, उस समय रश ज़्यादा रहता है। जब रश कम होता है तभी गुफा के कपाट खुलते हैं। और आपने हमारे व्लॉग्स भी देखे होंगे, हमने आपको बताया भी था कि हम माता रानी के दरबार जब गए थे तो हमने यात्रा ट्रैक या कहीं पर भी कोई डिस्कशन ही नहीं किया प्राचीन गुफा से जुड़ा। हमने बस कहा कि माता रानी के हम दरबार जाएंगे, दर्शन करना है, और जब दरबार पहुंचे तो हमें दर्शन हो गया। देखिए एक बात मैं सिर्फ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर माता रानी की इच्छा नहीं है कि आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो तो आप पूरी रात इंतज़ार करिए, गेट नंबर 5 के पास बैठ के इंतज़ार करिए, ठंड में इंतज़ार करिए, आपको दर्शन नहीं होने वाला है। लेकिन अगर माँ भगवती चाहती हैं, उनकी इच्छा है, तो कितना भी भीड़ हो, कितना भी रश हो, आपको दर्शन ज़रूर होगा। चलिए तो मैं उम्मीद करूँगा कि अब आपके मन में जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। फिलहाल कोई भी स्नोफॉल बर्फबारी माता रानी के पवित्र यात्रा में नहीं है इस समय, तो आप बिल्कुल इस चीज़ से मत सोचिए कि आपको बर्फबारी अभी फ़िलहाल देखने को मिलेगी। हालांकि आने वाले समय में अगर कोई बर्फबारी स्नोफॉल होता है तो उसकी जानकारी हम आप सब तक साझा करेंगे। आज के इस वीडियो से हम यही उम्मीद करेंगे कि आपको सभी प्रकार की नई जानकारी मिल पाई होगी, आप अच्छे से माता रानी के दरबार जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे। इसके साथ साथ आप सबका प्यार चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आ रहे हैं जो हमारा प्यारा सा नया भजन है, और उस भजन को हमने माता रानी के पवित्र होल यात्रा ट्रैक में शूट किया है, बहुत मेहनत लगा है एडिटिंग में। तो आप उस तरह से प्यार दीजिएगा, उसे देखिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ कमेंट करके अपना फीडबैक सजेशन हम तक ज़रूर साझा करिएगा। डिजिटल यात्रा भी ऑलरेडी अपलोड है तो उसे भी देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो उसे शेयर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई प्यारी सी वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।